हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं ब्रांड न्यू सैफरन वंदे भारत एसी चेयर कार ट्रेन जर्नी विद डिलिशियस IRCTC फूड। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये चेयर का चेयर है, शॉक चेयर क्लास, समझ रहे हो ना। आर्मी के टैंक्स को सोचिए ट्रेन पर लोड कर दिया। देखो वो ट्रेन पे स्पेशल कोच टैंक जा रहा था हम ट्रेन। अच्छा वाह, ये देखो फंसी आहे पब्लिक। आज की डेट ऑफ जर्नी दिस इज 21 अप्रैल। सुबह के बज रहे हैं अराउंड 5 o'clock और करंट लोकेशन अगर आप देखोगे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का, ये हो गया निजामुद्दीन। सबसे पहले आपको दिखा दूं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। दिस इज यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। आपने टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया, आज आपके लिए एक और एक्सक्लूसिव वंदे भारत की जर्नी और वो भी हो सकता है दिस इज द सैफरन वंदे भारत 22470। दिस इज खजुराहो। आई गया ही नहीं, इसको आपको बताई है मुश्किल से 1 महीना हुआ है लॉन्च किए, तो आपके लिए एक और स्पेशल ट्रेन जर्नी बनती है। काफी लोगों के कमेंट आए थे भैया खजुराहो वंदे भारत दिखाइए, तो आज आपके लिए वर्चुअली उसका सफर शुरू करें। देखो यार ऐसे नहीं, आपको स्टाइल बता दो। ये वही ट्रेन स्टेशन है जहां हम गए हैं कि कोई और स्टेशन है दिल्ली का? निजामुद्दीन डिफरेंट। यहां पर सबसे पहले हमारी मिनी वंदे भारत लगाया जाएगा और फिर यहां से आपके लिए एक और सफर शुरू करें। देखो यार आपको स्टाइल बताते हैं, ऐसे नहीं कमा, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज बैक टू बैक सफरनामा चल रहा है। जितनी वंदे भारत है कोशिश की जा रही है कि आपके सामने सब व्लॉग्स आए। पूरा व्लॉग देखिएगा, कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ आपको विस्तार में बताया जाएगा। आपके सामने डबल टू डिपार्चर C1 आगे की तरफ आज इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। पूरे कोचेस आप देख लीजिएगा, दिस इज आपको बता दूं था ब्रांड न्यू वंदे भारत रहेगा। अगर आप देखोगे दिस इज 23 बिल्कुल लेटेस्ट वंदे भारत आपके सामने। और एक ऑरेंज कह लीजिए आप, सैफरन वंदे भारत का सफर आपके सामने, मिनी वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 7 इलेक्ट्रिक ऊपर दिख रहा है। ट्रेन अराइव हो गई। चलिए एक और सफरनामा शुरू करते हैं। एक ये ट्रेन है, पाकिस्तान की ट्रेन है, देखी हमने कोच क्या देखना आगे आएगा किसी चैनल में वीडियो प्रेस कर देती है। नाइस, अरे वाह। मैं आपको बता दूं ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज करता हूं वीगो ऐप, जहां पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर, चाहे वो होटल की बात करें चाहे वो फ्लाइट की बात करें। तो किसके टिकट है यहां की, इसकी डिस्क्रिप्शन में रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास ऐप ऑलरेडी है अपडेट जरूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। और अगर आप मेरी तरह लास्ट मिनट में टिकट बुकिंग करते हैं तो वीगो आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रैवल लोडिंग ऐप। तो ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। दिल्ली से खजुराहो अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस हम कवर करेंगे कुछ अराउंड 700 किलोमीटर्स। वंदे भारत की ड्यूरेशन ऑफ जर्नी 8 hours 30 minutes आप मान लीजिएगा। मेरे हिसाब से 5 या 6 ऑफिशियल स्टॉप और आप देख सकते हो दिस इज द सैफरन वंदे भारत। बट एक नई चीज़ ये है, सबसे फर्स्ट टाइम, पता नहीं अब तक कितनी वंदे भारत की, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं C1 बिल्कुल आगे वाले कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आज ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। निजामुद्दीन का आप देख लीजिएगा, दिस इज द प्लेटफॉर्म नंबर 7 जो आपको बताई थी 22470। अभी तो खैर लगभग आधा घंटा है, पैसेंजर बोर्ड करते हुए खाना पीना बोर्ड किया जाएगा। क्या क्या खाना पीना सब होगा, जा रहा है लगन माल लेके जा रहे हैं अंदर खाने। पार्ट फाइनली वंदे भारत की आज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर। तो कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, चेहरे पे स्माइल बनाए रखिए और हमारे संग घूमते रहिए द हैशटैग देखो अपना देश। चलिए आप बताइए वंदे भारत का सैफरन वंदे भारत की वाइट वंदे भारत आपको कौन सी पसंद है, जरा कमेंट करके बताइएगा। हम चले मध्य प्रदेश, पूरा सफर देखिएगा मजा आएगा। देखो अभी तो यहाँ पर LP अभी तो LP साहब वगैरह आने बाकी, चलो टाइम लगेगा, अभी तो आधा घंटा है, पैसेंजर वगैरह
टाइम लेंगे, कोशिश करते हैं आपको पूरी वंदे भारत का एक बार इंटीरियर और दिखा दो जरा, C1 का, वंदे भारत का C1 का आपके लिए छोटा सा इंटीरियर टूर। खिड़कियां बड़ी लंबी, अनाउंसमेंट लेवल कितना हाई है, उम्मीद है आवाज क्लियर होगी। देखो ये C2 है, सबसे पहले आपको ये दिखा दूं C1 C2 में डिफरेंस क्या है, जिनको व्हील चेयर चाहिए वो यहाँ पर उसके लिए स्पेशल बाथरूम वगैरह भी हो गया, प्लस यहाँ पर ये आप व्हील चेयर पार्क भी कर सकते हो। तो ये C1 की यहाँ पर वंदे भारत में स्पेशलिटी है। नॉर्मल AC चेयर कार में आपको मिलेगा 78, ये दोनों तीन तीन है, आपको मिलेगा 44 चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब, ये वाली तीन है दोनों साइड, ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, आप देख लीजिएगा 3x2 का कॉम्बिनेशन इसमें होता हुआ। और जो सीट हमको मिली है इस बार पीछे दो हैं, दिस इज एक का फंडा है, दो कैसे हो गए, रास्ता कम हो गया था क्या, ये सीट नंबर 8 और 9 आप देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास आपको ये रेस्ट हो गया, लेग स्पेस अगर आप देखोगे ये लेग रेस्ट हो गया, प्लस चार्जिंग पॉइंट, यस ये हर सीट पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे, प्लस ये आपके लिए शेड भी लगे यहाँ पर हो गई, इंडियन रेलवे वेलकम यू, छोटा और बेटर हो गया C1 का। और यहाँ पर ये आपको मिलेगी मिनी पेंट्री कार, ठीक है ना, जिसमें सब खाना पीना होता है। और आगे ही आपको यहाँ के द फ्रंट व्यू, ये भी आपको अच्छा दिखाएंगे, लोगों को नज़ारे आगे आपको दिखाएंगे, पूरा इंटीरियर C1 का आपके लिए। और कलर देखिए आप क्या कहना चाहेंगे, कलर देखिए, कलर कॉम्बिनेशन कितना मस्त दिया गया है, सैफ्रन आप कह लीजिए प्लस ब्लैक थोड़ा बहुत कलर मस्त लगता है। खजुराहो वंदे भारत जिसको ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्दर्न रेलवेज, अगर आप इसमें ट्रैवल प्लान बना रहे हैं जरा मैं आपको टाइमिंग्स और बता दूँ, निज़ामुद्दीन से हम चलेंगे सुबह 6 बजे और ये पहुँचेगी खजुराहो 2 बजे के आसपास, वहाँ से चलती है ये 3 बजे और आप 11:30 रात को पहुँचेंगे यहाँ पर निज़ामुद्दीन दिल्ली वापस। सोचिए लगभग 8.5 घंटे की जर्नी, और इस ट्रेन को एवरी डे चलाना, इट रन्स एवरी डे एक्सेप्ट मंडेज। मैंने आज की बुकिंग देखी थी पूरी चेयर कार फुल, एग्जीक्यूटिव में कुछ 10-15 सीट अभी भी करंट में बाकी है, तो ऑक्यूपेंसी मेरे हिसाब से बढ़िया चल रही है। बट अगर आप खजुराहो घूमने जा रहे हो, ट्रैवल प्लान बना रहे हो, प्लीज़ मैं तो आपसे ये कहूँगा कि पहले ही वंदे भारत में बुकिंग कर लीजिएगा। टाइमिंग आपको और दिखा दूँ यहाँ पर, दिस इज 5:40, यस LP साहब आ चुके हैं, 20 मिनट्स टू गो, चलिए डिपार्चर आ चुके हैं, LP दिखाएंगे बिकॉज हम जाने वाले हैं द हाईएस्ट स्पीड, आप देख लीजिएगा क्या सुंदर लग रहा है, पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई और मिनी वंदे भारत जिसमें आपको मिलते हैं। और इसका भी स्टेशन को वैसे ही बना दे आप जैसे बाकी बना रहे हैं, पीछे अनाउंसमेंट थोड़ा वॉल्यूम देख रहे हो ना कम छोटा, अगर रेलवे से कोई ये देख रहा है प्लीज इसका अनाउंसमेंट का कुछ करो यार, न्यू दिल्ली पे भी यही हाल है, निजामुद्दीन पे भी यही हाल है, लिटरली वॉल्यूम कानों में ना, बस स्टेशन पर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं स्टेशन पर साफ सफाई बनाए रखें। चलिए एक और जर्नी की शुरुआत करते हैं, यस गेट्स हो चुके हैं, ऑटोमेटिक गेट्स हो चुके हैं लॉक, चलिए एक और सफर की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल राइट टाइम आप देख लीजिएगा, राइट टाइम वंदे भारत का डिपार्चर हो रहा है, टाइम पे निकली है। पोजीशन आपको बता दूं 8 coaches 7 हो गए चेयर कार, 1 हो गया एग्जीक्यूटिव, मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड आपको बताई दिया 160, आई गेस एवरेज कुछ जाएगी 80 के आसपास। चलिए चलिए सफर की शुरुआत करिए दोस्तों, आपके लिए देर सारा एंटरटेनमेंट। कैसे लगी वंदे भारत आपको, कैसी लगी, हाँ बाहर का कलर कैसा लगा, सैफ्रन कलर मजा आया ना, मजा जबरदस्त ट्रेन है ना, अरे भाई ये नया भैया भी फोटो ले रहे थे वीडियो ले रहे थे, मैंने कहा अभी तो देखिएगा, अभी तो जब स्पीड पकड़ेगी ना तब देखिएगा क्या मजा आएगा, ट्रेन एक नंबर है। देखा कितना प्राउड फील होता है जब अपना देश ऐसे तरक्की कर रहा हो, ऐसी अच्छी अच्छी ट्रेनें आ रही हों, हर एक को खुशी होती है, वो खुद दूसरे से बात करते वो भी कहते ट्रेन बहुत बढ़िया है, तो वही मोदी जी का एम है कि मैं एक आम इंसान को वो सब फैसिलिटीज दूं जो बाहर के देश के आम इंसान को मिलती है। देखिए अल्टीमेटली से वंदे भारत ही होंगी, दूसरी पुरानी सब चली जाएंगी, और सारे जितने भी रेलवे स्टेशन हैं चमचमा के चमक रहे होंगे, बिल्कुल अभी धीरे धीरे एक एक करके कर रहे हैं इवेंचुअली एवरीथिंग इज गोना बी ग्रेट। और वहाँ पाकिस्तान के बुरे हाल है, हमने लाहौर का रेलवे स्टेशन देखा, ओ हो हो, और जैसे यहाँ पे हमारे भी में देखो गंद मचा हुआ था ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अपनी वीडियोस में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि गंद मत मचाओ, क्योंकि नहीं तो देखो वो पाकिस्तान की वीडियो हमने देखी कितना शर्म आ रही थी देखते हुए कि क्या गंदा क्या हाल है, क्या अगर हम क्या चाहेंगे कि हमारे देश की कोई ऐसी वीडियो आए जिसमें
हमारा देश गंदा लग रहा हो और कोई बाहर वाला देख रहा हो या हम ही देख रहे हो और हमको लगे कि भैया कितना गंद मचा हुआ है, हमारे देश इतना गंदा हो रहा है, तो बिल्कुल सफाई हो रही है, सफाई हाँ हो रही है, अब तो चेंजेस हो रहे हैं, अब तो हो रहा है, क्योंकि हर जगह ट्रैश कैन पड़े हैं, उसको कोई भी फेंक रहा है, बोली देखो भाई साहब वहां पड़े, बिल्कुल वाह, एक हर एक इंसान अपनी एक ड्यूटी बना ले, अगर आप किसी को देखो गंद मचाते हुए उसको बोलो, जब एक दूसरे को बोलोगे वो भी समझेगा, प्यार से बोलो, प्यार से बंदा समझ जाएगा, लड़ाई नहीं करो, प्यार से बोलो कि अपना ही देश है भाई साहब, क्यों गंद मचा रहे हो, चलो मिलके उठा के रख फेंकते हैं वापस कूड़े में, चलो आप भी उठाओ, मैं भी उठाता हूँ, उनकी हेल्प करता, ऐसे करके कुछ ना कुछ बोल के प्यार से करा लो, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।